आज हम एन कक्षा बारह रसायन विज्ञान भाग दो के दसवें पाठ हेलो एल्केन हेलो एरीन के भाग तीन को देखेंगे भाग दो तक हमने ये जाना कि हेलो एल्केन हेलो एरीन क्या हैं किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया किस तरह से उनका नामकरण किया गया सी एक्स बंद की प्रकृति कैसी है उनके विरचन की विभिन्न विधियाँ देखी भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया और रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के बारे में देखा उन प्रतिस्थापनों के बाद आज की कक्षा में हम उन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि जानेंगे क्रियाविधि अभिक्रिया क्रिया दो विभिन्न क्रियाविधियों द्वारा संपन्न होती है ये हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात कर रहे हैं जो कि एस एन वन और एस एन टू दो प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो सकेंगी क्रियाविधि का मतलब होता है कोई रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होती है किसी रिएक्शन में किस तरह से पहले कोई मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है या कोई संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है उसके बाद किस तरह से वो उत्पाद में परिवर्तित होती है तो स्टेप बाय स्टेप जो रिएक्शन होती है उसको हम क्रियाविधि कहते हैं तो इस तरह से पहले देखते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एसेन टू सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मोलिकुलर मैथिल क्लोराइड तथा हाइड्रोक्साइड आयन की अभिक्रिया जिसमें हमें मेथनॉल और क्लोराइड आयन प्राप्त हो रहा है ये रिएक्शन द्विअणुक नाबिक्स ने ही प्रतिस्थापन इस तरह से होगा ये ओ OH एच नेगेटिव नाभिक स्नेही इस मैथिल क्लोराइड पर अटैक करेगा कैसे हम जानते हैं कार्बन क्लोरीन बंध ध्रुवित होने के बाद सी एल पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नाभिक स्नेही कहाँ आक्रमण करता है जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो धनावेश हो तो इस तरह से ओ OH एच नेगेटिव नाभिक स्नेही कार्बन पर अटैक करेगा ये ओ OH एच नेगेटिव यहाँ कार्बन पर पीछे की तरफ से आक्रमण कर रहा है और ये हमें संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है जहाँ पर बॉन्ड का टूटना कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटने के क्रम में है और नाभिक्स ने ही ओ OH के साथ बंद बनने के क्रम में है और उसके बाद इस संक्रमण अवस्था से हमें ये उत्पाद मिल रहा है उत्पाद में ये सी एल नेगेटिव निकल गया अविशिष्ट समूह के रूप में लिविंग ग्रुप के रूप में और ओवेच नाभिक ने ही कार्बन पर जुड़ गया है ना देखने में हमें लग रहा है रिएक्शन दो स्टेप में हो रही है लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट इमेजनरी है ये स्थाई भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन पर पांच बंद दिख रहे हैं अस्थाई है ट्रांजिशन स्टेट उच्चतम ऊर्जा वाला क्षेत्र होता है इसलिए बहुत कम स्थाई है और इसे हम एक स्टेप में बनना मानते हैं क्योंकि इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते ट्रांजिशन स्टेट को ना ही इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं इमेजिनरी स्टेट है जहाँ बॉन्ड का ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं और हमें प्रोडक्ट इस तरह से मिल गया इस रिएक्शन में जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो आप देख रहे हैं ये सॉलिड वेज है क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये जो बॉन्ड है इस पर जुड़ा हुआ जो परमाणु है वो पेपर से बाहर की तरफ निकलता हुआ प्लेन से बाहर निकलता हुआ बॉन्ड है ये जो बॉन्ड है डॉटेड लाइन से इसका मतलब ये प्लेन से नीचे जाता हुआ बॉन्ड है पेपर के पीछे की तरफ का बॉन्ड है और जो ये नॉर्मल लाइन से हमने बॉन्ड दिखाए हैं इस एच और सी एल का ये पेपर के तल में है ना प्लेन में है ये जिस प्लेन में हम अध्ययन कर रहे हैं उस प्लेन में एच और सी एल है उससे बाहर निकलता हुआ ये वाला एच है जो कि सॉलिड वेज से दिखाया जाता है और जो डॉटेड लाइन पे दिखाया है ये पीछे की तरफ है तो इस तरह से हमने देखा नाविक्स OH ने ही ओ एच ने सी को प्रतिस्थापित करके एक सिंगल स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा हमें एल्कोहल प्रोडक्ट दे दिया है और साथ में लिविंग ग्रुप सी एल नेगेटिव निकल गया है यह द्वितीय बल गति का अनुसरण करती है है ना सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है कैसे पता लगता है कि रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है जैसे यहाँ दो रिएक्टेंट हैं ओएच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और मिथाइल क्लोराइड एल्काइल हेलाइड और ये स्लो स्टेप होता है और उससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है हम क्या करेंगे पहले हमने न्यूक्लियोफाइल को भी वन मोल लिया और मिथाइल क्लोराइड को भी वन मोल लिया और रिएक्शन की रेट के बारे में देखा है ना उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल को डबल करके कंसनट्रेशन लेते हैं और एल्काइल हिलाइड को वही वन मोल रहने देते हैं इसको हमने चेंज नहीं किया केवल नाभिक स्नेही को जब हमने परिवर्तित किया वन से टू मोल कर दिया और रिएक्शन की रेट के बारे में अध्ययन किया तो देखा कि न्यूक्लियोफाइल को डबल करने से रिएक्शन की रेट डबल हो गई यानी कि रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड कर रही है न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर रही है इसी तरह से हम तीसरी बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल को तो वन मोल ही रहने देंगे और एल्काइल हेलाइट के कंसनट्रेशन को डबल करेंगे जब एल्काइल हेलाइट के कंसनट्रेशन को डबल करते हैं तब भी हमने पाया कि रिएक्शन की रेट डबल हो रही है इसका मतलब रिएक्शन की रेट नाबिक्स ने ही पर निर्भर करती है और एल्काइल हेलाइट पर भी निर्भर कर रही है तो इस तरह से दो क्रियाकारकों पे निर्भर करने के कारण यह द्वितीय कोटि बलगति सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है स्लो स्टेप से पहले जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनकी कंसंट्रेशन पर रेट निर्भर करती है और जिस तरह से मैंने बताया इसी तरह से हम निकालते हैं कि रिएक्शन की रेट किन स्पीसीज पर डिपेंड कर रही है तो दोनों पर डिपेंड करने के कारण ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है तो इस तरह से एस एन टू में सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन एस एन टू में आक्रमणकारी नाभिक रागी कार्बन हेलाइड आबंध तोड़ता है एक नया कार्बन ओ OH आबंध बनता है यहाँ देख रहे हैं इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन साइट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सी पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आता है और इसमें बॉन्ड का बनना और ये वाले बॉन्ड का टूटना यानी कि कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड का टूटना और कार्बन और ओएच के बॉन्ड का बनना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ संपन्न हो रही हैं तो कोई मध्यवर्ती नहीं बन रहा ये एक संक्रमण अवस्था है ट्रांजिशन स्टेट है जहां बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली और हमें प्रोडक्ट मिल गया तो इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर पाते ना ही इसके बारे में स्टडी कर पाते ये इमेजिनरी है इस तरह से रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन कहलाती है विन्यास का प्रतिपन विन्यास किसे कहते हैं किसी भी कार्बन के चारों तरफ जो हमने एटम्स या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन देखा उसको विन्यास कहा जाता है किस तरह से वो त्रिविम में विन्यासित हैं जैसे हमने बताया एक फ्रंट प्रोजेक्टिंग बॉन्ड है एक बैक प्रोजेक्टिंग बॉन्ड है और दो बॉन्ड प्लेन में हैं वो किस तरह से वो विन्यास है ओरिएंटेशंस हैं डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स के उसको मॉलिक्यूल का विन्यास कहा जाता है तो इस SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन सीखें आक्रमण के लिए उपलब्ध कार्बन परमाणु का विन्यास प्रतीप हो जाता है ये जो कार्बन है ना यहाँ तो क्योंकि हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे असमित अणुओं के बारे में यहाँ अभी हमने मैथिल क्लोराइड लिया है ना इसमें आप देखें जैसे ये तीनों एच आपको लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं है ना और जब नाबिक्स ने ही पीछे से आक्रमण कर रहा है और ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब प्रोडक्ट आया ध्यान दीजिए इस प्रोडक्ट में ये जितने भी एच हमें लेफ्ट साइड में दिख रहे थे ना वो सब राइट साइड पे आ गए हैं और नाविक्स ने ही कहाँ जुड़ा पीछे की तरफ जुड़ गया जबकि हटने वाला समूह आगे की तरफ से हटा था लेकिन नाविक्स ने ही आगे नहीं आ रहा नाविक्स ने ही पीछे की तरफ जुड़ा है और हटने वाला समूह आगे से हट चुका है तो इस तरह से जैसे तेज बारिश में जब हम छाता लेके जाते हैं और हवा से आंधी से छतरी उलट जाती है बिल्कुल उसी तरह से इस क्रियाकारक का विन्यास प्रतीप हो गया है ना इन्वर्जन हो गया यहाँ पे इस इन्वर्जन को वॉल्डन प्रतिपन भी कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन तो इस तरह से ये विन्यास बदल गया है एसेंटू अभिक्रिया में इस प्रकार विन्यास का प्रतिपन होता है संक्रमण अवस्था इसमें कार्बन परमाणु एक ही समय पर आने वाले नाभिक रागी तथा निकलने वाले अविशिष्ट समूह दोनों के साथ जुड़ा रहता है यह संरचना अस्थाई होती है तथा इसे पृथक नहीं किया जा सकता हम किस संरचना की बात कर रहे हैं हम इस संरचना की बात कर रहे हैं जो कि नाभिक स्नेही के पीछे की ओर आक्रमण करने के बाद बनी है जहां बंद का टूटना और बनना दोनों हो रहा है तो इस तरह से संक्रमण अवस्था प्राप्त हो रही है हमें तो एसेंटू अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था के द्वारा फिर उत्पाद बनता है इसमें कार्बन परमाणु एक साथ पांच परमाणुओं से आबंधित था इसलिए ये अस्थाई है और इसे हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते अभिक्रियाशीलता का क्रम अभिक्रियाशीलता का मतलब होता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है SN2 टू अभिक्रिया के लिए किस प्रकार का एल्काइल हैलाइट अधिक क्रियाशील होगा इसके बारे में हम देखेंगे हमने जब एल्काइल हैलाइट पढ़ा था तो तीन प्रकार के एल्काइल हेलाइट देखे थे प्राथमिक एल्काइल हेलाइट द्वितीय कैलकाइल हेलाइड तथा तृतीय कैलकाइल हेलाइड इनमें से एस एन टू अभिक्रिया के लिए कौन अधिक क्रियाशील है इस अभिक्रिया में कार्बन परमाणु पर अथवा उसके निकट उपस्थित स्थूल समूह नाभिक स्नेही के लिए प्रभावशाली अवरोध निरोधक प्रभाव स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप करते हैं सामान्य एल्काइल हेलाइडों में मैथिल हेलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से अभिक्रिया देता है क्योंकि इसमें केवल तीन छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जैसे कि हमने रिएक्शन में देखा नाभिक स्नेही पीछे की ओर से आक्रमण करता है तो अगर कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन होते हैं तो हाइड्रोजन तो सबसे छोटा परमाणु है इसलिए नाभिक स्नेहों को पूरा स्पेस मिल जाएगा अटैक करने का लेकिन अगर H के स्थान पे हम एल्किल समूह लगाते जाएं, तो वो बड़े समूह होने के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी नाभिक्स ने ही उस कार्बन तक जिस पर हेलोजन जुड़ा है नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उस पर हमने एल्किल समूहों को लगा दिया एल्किल समूहों का आकार बड़ा होने के कारण त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी और नाबिक्स ने ही आक्रमण नहीं कर पाएगा इसलिए कौन शीघ्रता से अभिक्रिया दे पा रहा है मैथिल हैलाइट जहाँ पर कि कार्बन जिस पर हेलोजन जुड़ा है उस पर केवल तीन छोटे हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं तृतीयक एल्किल हैइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं इसको देखने के लिए देखें इस चित्र में देखें आप ये एसेंटू अभिक्रिया में हमने नाभिक स्नेही को पीछे की ओर से आक्रमण करवाया और जब ये मैथिल हैलाइड था ना तो रिएक्शन की जो रेट है वो थर्टी है है ना क्योंकि यहाँ छोटे परमाणु हैं नाभिक स्नेही को आराम से स्पेस मिल रही है यहाँ पर अटैक करने की लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एल्काइल समूह मैथिल समूह लगा दें तो ये कैसा हेलाइड बनेगा जिस कार्बन पर हेलोजन है वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा है ये कहलाता है प्राथमिक हैलाइड है ना इस एथिल में अब ये बड़ा समूह आ गया तो नाबिक स्नेही के लिए त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो गई उतना आसानी से नाभिक स्नेही नहीं आ पाएगा इसलिए रिएक्शन की रेट कम होकर एक हो गई अगर हम दो एच को प्रतिस्थापित करके मैथिल समूह लगा लें तो ये कैसा बन गया ये एल्किल बन गया कार्बन जिस पर हेलोजन दो तरफ कार्बन से जुड़ा है अब बड़े बड़े समूहों के कारण त्रिवीय बाधा हो गई तो और भी मुश्किल से नाभिक्स नहीं आ पाएगा इस कार्बन तक तो इसलिए यहाँ रेट पॉइंट जीरो टू हो गई है और यदि हम तृतीयक एल्किल हेलाइट की बात करें जहां हमने तीनों ही मैथिल समूह लगा दिए हैं अब तीनों बड़े बड़े समूह होने के कारण नाभिक स्नेही का आना बहुत मुश्किल है इसलिए एस एन टू अभिक्रिया के लिए तृतीय हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होंगे तो अगर हम अभिक्रियाशीलता की क्रम देखें तो प्राथमिक हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं एस एन टू अभिक्रिया के लिए उससे कम द्वितीय हैलाइड और सबसे कम तृतीय है अब हम देखते हैं एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन एस एन वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर एसनमन अभिक्रियाएँ सामान्यतः ध्रुवीय प्रोटिक विलायकों जैसे जल एल्कोहल एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती हैं तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड तथा हाइड्रोक्साइड के मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल देती है ये रिएक्शन देखें टू ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन जो कि टर्शरी हैलाइड है तृतीयक हेलाइड है इसकी नाबिक्स ने ही ओएच OH नेगेटिव के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बी आर हट कर ओएच OH प्राप्त हो गया यानी कि एल्कोहल मिल गया टू मिथाइल प्रोपेन टू ओल प्लस बी आर नेगेटिव ये जो रिएक्शन है एस एन वन में दो पदों में होगी यहाँ तो हमने एक स्टेप में रिएक्शन दिखा दी लेकिन जब इसकी क्रियाविधि देखते हैं तो यह दो पदों में होती है पहला पद मंद पद है ये चरण एक पहला पद मंद पद है जिसके द्वारा पहले सी बी आर बंध टूट कर इस प्रकार से कार्बोकेटाइन मध्यवर्ती स्पीशीज प्राप्त होगी और बी आर नेगेटिव मिलेगा यह प्रथम कोटि की बलगति का अनुसरण करती है अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर करता है जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है हमने इस रिएक्शन में कैसे पता लगाया कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है इस रिएक्शन में ये हमने एल्काइल हेलाइड टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है और ओ एच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल लिया है जैसे हमने एस एन टू में किया था इन दोनों के कंसनट्रेशन को पहले हम वन वन मोल लेते हैं एल्काइल हेलाइड को भी और नाबिक्स ने ही को भी और रिएक्शन की रेट देखी है ना उसके बाद हमने एल्काइल हेलाइड के कंसनट्रेशन को डबल किया और नाबिक स्नेही के कंसनट्रेशन को वन मोल ही रहने दिया और देखा कि रेट डबल हो गई इसका मतलब रिएक्शन की रेट एल्काइल हेलाइड की कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है और जब तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने एल्काइल हेलाइड को तो वन मोल ही रहने दिया और ये जो नाभिक स्नेही ओ एच OH नेगेटिव है इसका कंसनट्रेशन डबल करके लिया तब देखा कि रिएक्शन की रेट पर कोई प्रभाव नहीं आया जो पहली बार हमने रिएक्शन का रेट पढ़ा था वन वन मोल लेने पे वही रेट ओ एच को डबल करने के बाद भी प्राप्त हो रही है इससे ये पता लगता है कि रिएक्शन की रेट नाबिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रही रिएक्शन की रेट केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंसंट्रेशन पर निर्भर कर रही है यानी कि केवल एक स्पीसी पर निर्भर करने के कारण अभिक्रिया की कोटि एक है और स्लो स्टेप से पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वही रिएक्शन के ऑर्डर को निर्धारित करते हैं यहाँ केवल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर वन है अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिक्रिया की शांतता पर निर्भर कर रहा है और ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इस तरह से ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन गया फर्स्ट स्टेप के द्वारा और कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट पर ओ एच नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण अब क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है प्लेनर स्पीसीज है एक ही तल में तीनों मिथाइल समूह और ये कार्बन एक ही तल में है अब नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों तरफ से हो सकता है फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी तो इस तरह से हमें यहाँ पे रेस्मिक मिक्सचर प्राप्त होता है रेस्मिक मिश्रण मतलब हमें दो तरह के उत्पाद मिल रहे हैं जिसमें एक बार ओएच OH दाईं तरफ और एक बार ओएच OH बाईं तरफ जुड़ाव होगा और वो बराबर मात्रा में मिलेंगे तो इस तरह से हमें रेशमिक मिश्रण मिल रहा है आगे की स्लाइड में हम जानेंगे रेशमिक मिश्रण क्या होता है तो इस तरह से ये दो चरणों में अभिक्रिया हो रही है दो चरणों में संपन्न होने वाली यह अभिक्रिया प्रथम चरण में सीबीआर आबंध जो है उसका धीमा विदलन स्लो स्टेप ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप हमें कार्बोकेटाइन दे रहा है और बी आर नेगेटिव दे रहा है और स्लो स्टेप ही रिएक्शन की रेट को निर्धारित करता है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मारुति बनाने की फैक्ट्री है वहाँ बहुत सारे पार्ट्स का बनाना रोज हो रहा है लेकिन इंजन जो है केवल दो ही बनते हैं पर डे है ना और मान लीजिए टायर्स हैं हज़ार बन रहे हैं आगे के ग्लास हैं पाँच सौ बन रहे हैं है ना लेकिन इंजन केवल दो ही बन रहे हैं तो ओवरऑल मारुति का बनना सबसे स्लो स्टेप यानी कि इंजन के बनने के स्टेप पर निर्भर कर रहा है उसी तरह से रिएक्शन के अंदर भी सबसे स्लोवेस्ट स्टेप सबसे धीमा पद पूरी अभिक्रिया की गति को निर्धारित करता है तो इस तरह से चरण एक यहाँ पर अभिक्रिया की गति को निर्धारित कर रहा है और इसमें सी बी आर बंद के विदलन से हमें ये कार्बोकेटायन प्राप्त हो रहा है कार्बोकेटायन मध्यवर्ती के रूप में और एक आयन मिल गया द्वितीय चरण में कार्बोकेटाइन पर नाभिक रागी के द्वारा आक्रमण से प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है और यहाँ ओ नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो इस तरह से हमें टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल प्राप्त हुआ इस तरह से हमने देखा एसनवन अभिक्रिया मध्यवर्ती स्पीशीज के द्वारा और दो पदों में होती है पहले पद में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का बनना और दूसरे पद में मध्यवर्ती पर नाभिक स्नेही के आक्रमण से उत्पाद का बनना चरण एक सबसे धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है ये स्टेप देख रहे हैं रिवर्सिबल स्टेप है फर्स्ट स्टेप जो है इसमें सीबीआर आबंध का विदलन होता है जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती है इसमें देखें ये जो बीआर नेगेटिव बना है अब क्योंकि हमने यहां पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं है ना तो बीआर नेगेटिव का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के द्वारा विलायकन होने से ऊर्जा मुक्त होती है इसलिए ये पद आसानी से संपन्न हो पाता है फिर कार्बोगटाइन के ऊपर नाभिक स्नेही के आक्रमण से द्वितीय पद द्वारा एल्कोहल प्राप्त होगा अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हेलाइड की संता पर निर्भर करता है ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की संता पर तो ये प्रथम कोटि की बल गति को फॉलो कर रही है कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा एल्किल एल्केलाइट से इसका विरचन उतना ही सरल होगा तथा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा अब यहाँ देखें जो कार्बोकेटाइन बन रहा है जितना ज्यादा ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ही ये आसानी से बन पाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात बिल्कुल ध्यान रखें जब भी कोई चार्ज स्पीसीस की स्टेबिलिटी की बात करें है ना जैसे ये चार्ज है यहाँ पे प्लस का और इसकी स्टेबिलिटी की बात करें जो भी चीज़ें इस चार्ज के कंसनट्रेशन को कम कर सके जैसे यहाँ प्लस का चार्ज है और मैथिल समूह के द्वारा प्लस आई प्रभाव लग रहा है है ना तीन मैथिल समूह तो तीन प्लस आई प्रभाव के द्वारा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी घट जाएगी और इस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो या तो हम प्रेरणी प्रभाव प्लस आई प्रभाव के द्वारा इस पॉजिटिव आयन की डेंसिटी को कम करके स्टेबिलिटी बढ़ाएं या कई बार होता है रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी बढ़ती है मतलब चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज होता है विस्थानीकृत होता है तो जितना हम चार्ज के कंसंट्रेशन को कम कर पाएँ या पूरे मॉलिक्यूल पर फैला पाएँ उतना ही उस आयन की स्टेबिलिटी अधिक होती है तो यहाँ भी बनने वाले कार्बोकेटाइन का स्थायित्व यह बताएगा कि कौन सा एल्काइल हेलाइड अधिक क्रियाशील होगा तो एस की क्रियाशीलता जानने के लिए हमें कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के बारे में बता होना चाहिए तो टर्शरी जो हैलाइड है जिसमें तीन मैथिल समूह हैं इसमें तीन प्लस आई प्रभाव है इसका स्थायी तो सबसे अधिकतम होगा अगर यहाँ पर मान लीजिए मैथिल के समय जगह एक एच होता तो केवल दो ही प्लस आई प्रभाव काम करता तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती तो इस तरह से सेकेंडरी हैलाइड लेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी बनने वाले कार्बोकटाइन की और प्राथमिक हैलाइड लेंगे तो केवल एक ही प्लस आई प्रभाव लगेगा वहाँ पर क्या होगा प्राथमिक में दो एच होंगे और एक ही एल्किल समूह होगा तो उसमें केवल एक प्लस आइव लगेगा तो और भी स्टेबिलिटी कम हो गई तो यहाँ हम देख रहे हैं तृतीयक हैलाइड से बनने वाले तृतीय कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तो सबसे अधिक है इसलिए क्रियाशीलता भी तृतीयक हेलाइट की अधिक होगी एल्किल हेलाइडो में थ्री डिग्री एल्काइल हेलाइड तीव्रता से एस एन वन अभिक्रिया देते हैं क्योंकि थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तो सर्वाधिक है एस एन वन तथा एस एन टू अभिक्रियाओं के लिए एल्किल है की क्रियाशीलता के क्रम इस प्रकार से दिखा सकते हैं एस एन टू जो हमने पहले पढ़ा जहाँ हमने देखा कि नाबिक्स ने ही पीछे की ओर से कार्बन पर आक्रमण करता है वहाँ जितना ज़्यादा एल्किल समूह लगे होंगे उतना ही त्रिविमीय बाधा होगी अतः तृतीयक एल्किल हैइड की अभिक्रियाशीलता एसन टू अभिक्रिया के लिए सबसे कम है और मैथिल हैलाइड के लिए जहाँ कार्बन पर तीनों छोटे परमाणु हाइड्रोजन लगे हैं वहाँ नाबिक्स नहीं आसानी से कार्बन पर आक्रमण कर पाएगा इसलिए तृतीयक से द्वितीय एल्कि हेलाइड की अभिक्रियाशीलता एस एन टू में अधिक होती है और उससे अधिक प्राथमिक और सबसे अधिक मैथिल है जबकि एस एन वन अभिक्रिया में हम देखते हैं मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जितना अधिक होगा उतना ही वो हैलाइड एस एन वन अभिक्रिया के लिए क्रियाशील होगा क्योंकि तृतीयक हैलाइड के अंदर तीन प्लसआई प्रभाव कार्बोकेटाइन पर लगते हैं इसलिए एस एन वन अभिक्रिया के लिए तृतीयक हैलाइड सबसे अधिक क्रियाशील है और उससे कम द्वितीयक हैलाइड जहाँ केवल दो ही प्लस आई प्रभाव लगेंगे उससे कम प्राथमिक हैलाइड जहाँ केवल एक प्लस आई प्रभाव लगेगा और सबसे कम मैथिल हैलाइड क्योंकि मैथिल कार्धनाइन पे तीनों तरफ जब हाइड्रोजन होगा तो कोई प्लस आई प्रभाव नहीं है अतः इसका कार्बोकोटाइन सबसे कम स्थाई है इसलिए एस एन वन अभिक्रिया के लिए सबसे कम क्रियाशील है एलिलिक तथा बेंजलिक हैलाइड एस एन वन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं इनसे निर्मित कार्बोकेटाइन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं वैसे हमने क्या पढ़ा था एस वन में टर्शरी हैलाइड अधिक क्रियाशील होते हैं लेकिन ये एलिलिक और हेलाइड दोनों प्राथमिक होते हुए भी अधिक क्रियाशील क्यों हैं क्योंकि इनसे बनने वाला मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन उसमें अनुनाद के द्वारा स्थायित्व है यहाँ देखें ये एलेलिक कार्बोकेटाइन दिखाया यदि ये एलेलिक हैलाइड होता यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो एसपी थ्री संकृत कार्बन है इस पर यदि एक्स होता है तो वो एलेलिक हैलाइड बनता है और इसी तरह से बेंजीन की रिंग पे पहला जुड़ा हुआ कार्बन जो कि एसपी थ्री संकृत है यदि इस पर एक्स होता है तो ये बेंजेलिक बेंजेलिकलाइड है इन दोनों हेलाइड के वन डिग्री होते हुए भी एस एन वन अभिक्रिया क्यों हो रही है क्योंकि इनसे जो कार्बोकेटाइन बना हमने जब एक्स को हटाया यहाँ से इसमें जब एक्स को हटाया तो ये कार्बोकेटाइन बना और इस कार्बोकटाइन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है संयुग्मन में द्विबंध है जब भी धनावेश ऋणावेश लोन पेयर के संयुग्मन में द्विबंध आ जाए या दो द्विबंध आपस में संयुग्मन में हो तो हमेशा अनुनाद होगा और इस अनुनाद से क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे फैल रहा है यहाँ देखें पॉजिटिव चार्ज इस सिरे से इस सिरे पे आ गया है डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो इस तरह से ये कार्बोकटाइन स्टेबल हो गया रेजोनेंस के द्वारा इसलिए एल एलिकलाइड वन डिग्री हेलाइड होते हुए भी एस एन वन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है इसी प्रकार बेंजिलिक हेलाइड में भी आप देखें क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के कॉन्जुगेशन में यहाँ डबल बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस के द्वारा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज इस जगह आ गया और आप देख रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल पे रेजोनेंस के द्वारा पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ भी चार्ज स्पीसीस अगर उसमें चार्ज का कंसंट्रेशन कम किया जा सके या पूरे मॉलिक्यूल पे फैलाया जा सके तो आयन का स्थायित्व तो बढ़ता है तो इस तरह से एलिलिक कार्बोकेटाइन का और बेन्जलिक कार्बोकेटाइन का, का स्थायित्व तो अधिक होने के कारण एस एन अभिक्रिया में ये अधिक क्रियाशील हैं दोनों क्रियाविधियों यानी कि एस और एस हमें दिए हुए एल्किल समूह के लिए हेलाइड आर की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है अगर हम SN1 या SN2 दोनों ही रिएक्शंस की बात करें और एल्किल समूह समान रखें एल्किल समूह हमने सब में समान रखा आर रखा तो दोनों में ही एल्काइल आयोडाइड अधिक क्रियाशील है क्यों अधिक क्रियाशील है क्योंकि दोनों में ही कार्बन हाइड्रोजन बंध का विदलन होता है और आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण आबंध लंबा है और इसके वियोजन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी अतः एलकाइल आयोडाइड सबसे अधिक क्रियाशील होंगे तो क्रियाशीलता का क्रम एल्काइल आयोडाइड अधिक उससे कम एल्काइल ब्रोमाइड उससे कम एल्काइल क्लोराइड और सबसे कम क्रियाशील एल्काइल फ्लोराइड क्योंकि यहाँ आबंध सबसे छोटा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू को अगर देखते हैं तो SN2 अभिक्रिया में पूर्ण त्रिविम रासायनिक प्रतिलोमन हमने देखा किस तरह से विन्यास का प्रतिपन हो रहा है इन्वर्जन हो रहा है तो एस एन टू अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन होता है जबकि एस एन वन अभिक्रिया में रसमीकरण होता है रसमीकरण का मतलब है हमें दो प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे बराबर मात्रा में और वो रेसमिक मिक्सचर प्राप्त हो रहा है जबकि एस एन टू में इन्वर्टेड प्रोडक्ट आ रहा है आज की कक्षा में हमने एस एन वन तथा एस एन टू अभिक्रिया की क्रियाविधियों के बारे में जाना इनको अगर हम समराइज करें तो एस एन टू अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है जबकि एस एन वन अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है एस एन टू के अंदर ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है जबकि एस एन वन में मध्यवर्ती कार्धनायन बनता है अगर अभिक्रिया कोटि की बात करें तो एस एन टू अभिक्रिया में अभिक्रिया की कोटी दो है जबकि एस एन वन में अभिक्रिया की कोटि एक है नाभिक स्नेही का आक्रमण एस एन टू में पीछे की ओर से होता है जबकि एस एन वन में क्योंकि प्लेनर कार्बोगटाइन बनता है अतः तो दोनों तरफ से हो सकता है इसी तरह से क्रियाशीलता की बात करें तो एस एन टू अभिक्रिया के अंदर प्राथमिक एल्काइल हेलाइड सबसे अधिक क्रियाशील और तृतीयक एल्काइल हेलाइड सबसे कम क्रियाशील और एस एन वन अभिक्रिया में तृतीयक एल्काइल हेलाइट सबसे अधिक क्रियाशील और प्राथमिक हैलाइट सबसे कम क्रियाशील होते हैं विन्यास की बात करें तो एस एन टू अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न होता है जबकि एस एन वन अभिक्रिया में रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा अगर हम विलायक की बात करें तो एस एन टू अभिक्रिया में नॉन पोलर सॉल्वेंट जबकि एस एन वन अभिक्रिया में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है अब मिलेंगे हम अगले भाग में तब तक के लिए नमस्कार